यूपी के आगरा में एक साड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि घटना खेरागढ़ के मालपुरा थाना की है, जहां ग्वालियर रोड स्थित साड़ी के शोरूम में आग लग गई। शोरूम संचालक ने बताया कि वो शोरूम में ताला लगाकर अपने घर चले गए थे, तभी रात में शोरूम में अचानक से आग लग गई। इसकी जानकारी आसपास के लोगों ने दी। शोरूम मालिक के बेटे ने बताया कि दुकान पर बिक्री के लिए 2-3 दिन पहले नया सामान आया था, जो आग में जलकर राख हो गया। शोरूम मालिक राजेश कुमार ने बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही है। ये तो मुझे बाबा ने कॉल किया, तब मैं आया बच के। मुझे तो यहाँ सब लोग खड़े मिले, पुलिस वाले भी मिले, बहुत लोग खड़े थे यहाँ पे। फायर ब्रिगेड भी आई थी क्या? जी आई थी। कितनी गाड़ी आई? अरे एक गाड़ी आई थी और पुलिस की 2 गाड़ी आई थी। क्या लग रहा है आग कैसे लगी होगी? मुझे तो लग रहा है तो करंट से ही लगी है, शॉर्ट सर्किट से। हाँ, कितने का नुकसान हो गया होगा लगभग? ये तो पता नहीं है, तो अंदाज ही लगा सकते हैं, पता इतना तो वो नहीं है। फिर रात महंगाई के समय 2-4 लाख रुपए का क्या आता है।